हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। माय नेम इज दीप नारायण मिश्रा। आज फोटोसिंथेसिस के ऊपर वीडियो बनाएंगे और ये फोटोसिंथेसिस में आपको इंट्रोडक्शन का ये पहला वीडियो है, यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट, और लाइट का मतलब यहाँ पर ये लाइट एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या है, लाइट। और दूसरा टर्म है सिंथेसिस। यहाँ से सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ का बनना, तो सिंथेसिस यहाँ पर किसका हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट इसका क्या होता है, ग्लूकोज। तो फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनना किस चीज़ का, ऑर्गेनिक मैटर का। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रकार का ये क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है। ये क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पर एनाबोलिक का मतलब है कोई चीज़ किसी चीज़ का बनना, उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस जो है ये एक प्रकार का रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। यहां पर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो ये रिडक्शन किसका होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है CO2 का। रिडक्शन किसका होता है, CO2 का, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, H2O का। ठीक, ये पूछा जाता है किसका रिडक्शन होता है, CO2 का, ऑक्सीडेशन H2O का। इसका जो एक सिंपल रिएक्शन बनता है क्या होता है, ये 6 CO2 प्लस 12 H2O, इससे क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये इसका होल रिएक्शन है। तो यहाँ पर CO2 कितना लिया गया है, 6, और वाटर कितना है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 12। तो इनसे क्या बना, एक ग्लूकोज बन रहा है, उसके साथ साथ 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन निकल रहा है। जो ये ऑक्सीजन निकलता है इसको हम लोग रेस्पायरेशन के रूप में लेते हैं। तो ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि ये दोनों क्या है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है, यहाँ पर एक तो वाटर, दूसरा ऑक्सीजन। और मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है क्या क्या होता है, मेन प्रोडक्ट मतलब जो लिया जाता है फोटोसिंथेसिस क्रिया या रिएक्शन होने के लिए। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट आपका ये यहाँ पर होगा ग्लूकोज, मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है। बाई प्रोडक्ट जो होता है कि इसके साथ साथ क्या निकलता है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ग्लूकोज। ये दोनों है रॉ मटेरियल, यहाँ पर ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल। मतलब जो चीज लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, यानी ये कच्चा पदार्थ है। इससे इसका सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। ये दोनों जब अवेलेबल होता है तो इस क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को लेना, एब्जॉर्ब करना। उसके बाद ये दोनों रॉ मटेरियल आते हैं, उनसे क्या बनता है, ग्लूकोज। उसके साथ साथ क्या निकलता है, वाटर और ऑक्सीजन निकलता है। इन दोनों को बोला जाता है बाई प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या होता है अपना, ये है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, इसको ऑर्गेनिक मैटर है एक प्रकार का, जो आपको आगे बताए हैं। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल क्या क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन दोनों को लेकर क्या बनाया जाए यहाँ पर, ये जो बाई प्रोडक्ट है ये पूछा जाता है कहाँ से आता है, यानी ऑक्सीजन जो निकलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है, मतलब निकलता है ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आता है कहाँ से, ये वाटर से आता है। जो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ का, जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका वाटर का,
तो क्या निकलता है यहाँ पर, ऑक्सीजन। और जो इसका हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ जाता है, CO2 के साथ। जब ये CO2 के साथ इसका हाइड्रोजन आता है वाटर का, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पर मेन जो आपको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन बताएं, यानी CO2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या था, अभी एक सिंपल वे में इसका रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का। अगला तो ये एक तो ये चीज इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है आपको, एक तो आपको लाइट होना जरूरी है, दूसरा CO2 एज ए रॉ मटेरियल एंड H2O आल्सो ए रॉ मटेरियल। तो ये दोनों आपके लिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इनसे इसका जब रिएक्शन होता है लाइट के साथ, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, एज वेल एज टू बाई प्रोडक्ट, एक आपका था वाटर, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस क्रिया चलती कहाँ पर है, ये रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होता है ये मेनली कहाँ पर होता है, लीफ में होता है, लीफ में होता है। लेकिन लीफ में भी कई तरह होता है, ग्रेना वाली लीफ होती है, एग्रेनल होती है। तो लीफ जो होता है इसमें एक सेल होता है, उसको बोला जाता है मीजोफिल सेल। जो मीजोफिल सेल होता है वहाँ पर क्या चलता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, ठीक। तो ये मीजोफिल तो सब में होता है, आपका C3, C4 और कैम, C3, C4 और कैम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका ये मीजोफिल होता है, इसके अलावा भी एक सेल होता है बंडल सीथ। बंडल सीथ कहाँ पर अपेयर होता है, C4 के केस में। मीजोफिल के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर, प्लस बंडल सीथ, बंडल सीथ। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे जब ये प्रोसेस चलेगा। C3 का अलग से आपको वीडियो डाला जाएगा, C4 और कैम के लिए। तो यहाँ पर मीजोफिल सब में कॉमन है, यानी जो मेन सेल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सा होता है, मीजोफिल सेल। ये कहाँ पर पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। जो ग्रीन लीफ होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, मीजोफिल सेल। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर चलती है, लीफ में। लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, मीजोफिल और बंडल सीथ। तो वहाँ पर चलती है, जो क्लोरोप्लास्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको हम बना के बता रहे हैं। यहाँ पर ये मानिए क्लोरोप्लास्ट है, ओवल शेप का होता है, यानी अंडाकार का। तो यहाँ पर जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, एक क्वाइन को, जो एक सिंगल क्वाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, थैलकॉइड। इसको बोला जाता है थैलकॉइड, ठीक। या इसी को बोला जाता है ग्रेना लैमेली, क्या बोला जाता है, ग्रेना लैमेली। और जो ये आपका विस्कस टाइप का एक लिक्विड होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, जिसमें एक ग्रेना क्या होता है, डूबा हुआ होता है। तो ये आपका ये जो तरल पदार्थ होता है या लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। और ये जो दो ग्रेनल, ये पूरा होल जो ये स्ट्रक्चर क्वाइन का है, इन पूरे क्वाइन को क्या बोला जाता है, ग्रेनम। इसको बोला जाता है ग्रेनम। इससे क्वेश्चन आता है, इसको पूरे क्वाइन को क्या बोला जाता है, एक स्टाक ऑफ थैलकॉइड, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेनम। और जो यहाँ पर दोनों स्टाक को जोड़ने के लिए जो एक स्ट्रक्चर आपको स्टिक लाइक दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमेली। इन दोनों स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमेली। और जब ये एक क्वाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, थैलकॉइड, या इसी को बोला जाता है ग्रेना लैमेली। इस पूरे स्टाक को थैलकॉइड के क्या बोला जाता है, ग्रेनम। यहाँ पर जो DNA होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा DNA होता है, सर्कुलर होता है DNA। तो ये सर्कुलर DNA जो होता है इसमें हिस्टोन अब्सेंट होता है, तो इसको बोला जाता है नॉन हिस्टोन DNA, नॉन हिस्टोन DNA। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नॉन हिस्टोन DNA कहाँ पर पाया जाता है, प्रोकैरियोट के केस में। तो सेम इसका जो DNA होता है सर्कुलर होता है,
मतलब प्रोकैरियोट्स की तरह वहाँ पर क्या था, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, तो वही डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम भी क्या कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, 70S टाइप राइबोसोम होता है इसमें। तो डीएनए कैसा होता है, नॉन हिस्टोन डीएनए, और जो राइबोसोम होता है 70S टाइप राइबोसोम होता है। मेनली यहाँ पर आपको समझना है ग्रेनम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, थैलकॉइड क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना, जो ग्रेना होता है यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर चलता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर चलता है, ग्रेना में, ये आपको ध्यान देना है। और स्ट्रोमा जो होता है यहाँ पर क्या चलता है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलता है, स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन ग्रेना में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब इसके बाद इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग इसको पूरा समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिएगा इसको। आगे आपको बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ में बता रहे हैं, इसको क्या होता है, कौन कौन सा पिगमेंट पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर दें, जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में ये ट्रांसफर होता है सुक्रोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जो ये इकट्ठा होता है जो प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। मेनली ये किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा होता है, और जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, जब ये ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर किसका, ग्लूकोज का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये किस फॉर्म में चला जाता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और जब ये इकट्ठा होता है तो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। तो यहाँ पर जो फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, स्टार्च। फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्च। ये फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट होता है, काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ग्लूकोज फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है प्रोड्यूस, और जब ये ट्रांसफर होता है तो सुक्रोज फॉर्म में चला जाता है। तो यहां पर फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या था, स्टार्च, ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस डन बाय एल्गी। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा, अप टू 90% किसके द्वारा होता है, एल्गी। और जो बाकी बचा हुआ 10% होता है वो एग्रीकल्चरल और ये जो ट्री वगैरह है उनसे, क्रॉप से होता है। तो ये इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा। अगला आपको बता रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटीनाइड्स, और तीसरा होता है फाइकोबिलिंस। तो क्लोरोफिल जो होता है ये भी कई तरह का होता है, इसके बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा।
और कैरोटीनाइड से भी कई तरह का होता है, फाइकोबिलिन भी। तो इनमें तीनों में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफिल के बारे में, अच्छे से इसके बारे में बताएंगे स्ट्रक्चर वगैरह। तो क्लोरोफिल जो होता है इसका फार्मूला भी आपको बताया जाएगा, कैरोटीनाइड्स का भी बताया जाएगा और फाइकोबिलिन। इसमें अभी जो दो चीज़ आपको बता रहे हैं, ये जो होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स, ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल ए। ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट में पाया जाता है, तो ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। बट ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें नहीं पाया जाता, ये एक्सेप्ट बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में नहीं होगा, ये एब्सेंट होगा क्लोरोफिल ए। उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल बी, ये पाया जाता है जितने भी हाइयर प्लांट हैं उनमें पाया जाता है और एल्गी में पाया जाता है, हाइयर प्लांट एंड एल्गी। उसके बाद क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी जो होता है ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी, डीनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स में। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल सी होता है। उसके बाद क्लोरोफिल डी जो होता है वो पाया जाता है रेड एल्गी में। क्लोरोफिल डी किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में। क्लोरोफिल डी किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में। और उसके बाद है क्लोरोफिल जी, ये पाया जाता है हेलियोबैक्टीरिया। उसके बाद आपको बता रहे हैं, ये तो हो गया प्लांट वगैरह में पाया जाता है, कुछ इसमें एल्गी में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में। अब स्पेशली जो बैक्टीरियम क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो बैक्टीरियम पाया जाता है उसको बोला जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का एग्जांपल है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है, ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी होगा वो किस में पाया जाएगा, वो पाया जाता है पर्पल बैक्टीरिया में। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी किस में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में। रोडो स्यूडोमोनास इसका एग्जांपल है, रोडो स्यूडोमोनास। उसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी, ये किस में पाया जाता है, ग्रीन बैक्टीरिया में। ये पाया जाता है ग्रीन बैक्टीरिया। और जो क्लोरोफिल जी था वो किस में पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी, वो किस में पाया जाता है, हेलियो बैक्टीरिया। तो ये चीज़ आपका हो गया सी डी ई, जनरली इसमें सी डी ई होता है, सी डी और ई, ये तीनों पाया जाता है किस में, ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये अभी था क्लोरोफिल के बारे में। उसके बाद दूसरा है कैरोटीनाइड्स, इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहे हैं क्या होता है कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, आप जानते ही हैं। और कैरोटीनाइड जो होता है इसका कलर जो होता है अदर देन ग्रीन, ये कलरिंग पिगमेंट होता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह में और सीड वगैरह में, उसमें जो कलरिंग पिगमेंट होता है जनरली किसके द्वारा होता है, कैरोटीनाइड्स। तो दूसरा है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स
कैरोटीनाइड्स में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो तरह का होता है मेनली, एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है जैंथोफिल। कैरोटीन और प्लस जैंथोफिल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कैरोटीनाइड्स। यानी इन दोनों का ये एडिशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कैरोटीनाइड। कैरोटीन का क्या होता है, कलर ऑरेंज होता है। जनरली कैरोटीन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, और जैंथोफिल का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो ये जो कैरोटीन होता है और जैंथोफिल, ये किस में पाया जाता है, हाइयर प्लांट एंड एल्गी में। तो इसको यही हम आपको बता दे रहे हैं, कैरोटीनाइड्स किस में होता है, हाइयर प्लांट एंड एल्गी, एंड एल्गी उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स। उसके बाद तीसरा था फाइकोबिलिन्स। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं फाइकोबिलिन्स। इनका एग्जांपल क्या क्या है, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एलो फाइकोसाइनिन। ये जो होता है ये जनरली पाया जाता है एल्गी में। हाइयर प्लांट में क्या था, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स। ये किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है जनरली। ब्लू ग्रीन एंड रेड एल्गी, इसमें क्या पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स। अब आपको आगे बताया जाएगा इनका फार्मूला क्या होता है, क्लोरोफिल ए का, बी का, सी का, डी का, इनका डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला होता है, तो इनके फार्मूला के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्लोरोफिल का फार्मूला आपको सबसे पहले बता रहे हैं, क्लोरोफिल ए का, इसका फार्मूला था C55H72O5H72O5N4Mg। ये किसका होता है, क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का होता है C55H70O6N4Mg। उसके बाद क्लोरोफिल सी का होता है C55H32O5N4Mg। उसके बाद क्लोरोफिल डी का होता है C55H70O6N4Mg। और जो आपको बताए थे कैरोटीनाइड्स, उसमें दो होता है, कैरोटीन और जैंथोफिल, उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। कैरोटीन का होता है C40H52 और जैंथोफिल का होता है, जैंथोफिल का फार्मूला होता है C40H52O2। इसमें H का होगा 56, C40H56O2। यहाँ पर भी H का 56 है, यहाँ पर भी है H56। उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, तो अभी यहाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अगला वीडियो का आप वेट कीजिए। थैंक यू।